प्रातः क्लास चल रहा था 29/11/1967 बुधवार को तीसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। जिस समय मुझे रचना रचनी है उसी समय में मुझे वो ड्रामा में पार्ट नोता हुआ है, सो एक्ट में आता हूं। ऐसे तो नहीं है कि कोई ख्याल आया, जो भी पार्ट है वो एकदम रचना शुरू कर देता हूं। यहां आ जाता हूं, मुझे रचना ही होता है। जैसे पार्ट बजाते हैं ना नाटक में, तो उन सबको घर छोड़ करके आना ही पड़ता है। पार्ट बजाने वालों को मालूम है कि हमको नाटक में पार्ट बजाना है, फलाने फलाने टाइम, फलाने फलाने मिनट तक, तो देरी नहीं करेंगे। फिर भी ये चैतन्य है, उसमें तो कभी देरी हो जावे, ये हो व थोड़ा थोड़ा हो, 2-5 मिनट हो, और इस बेहद के ड्रामा में तो जरा भी देरी की एक बात भी नहीं है। ड्रामा में कभी देरी हो सकती है, शूट किया हुआ है तो। चैतन्य ड्रामा में कभी देरी हो जावे, जब भी कोई एक्टर आवे तब चुप करके बैठ जाते हैं, और ये ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। नहीं, इस ड्रामा में एकदम एब्सोल्युटली एक्यूरेट, तभी बाप भी कहते हैं मैं भी बिल्कुल ड्रामा के पेन अनुसार एकदम एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। कब आता हूं? जबकि पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना होता है, तो मूल बात यह है, तमो प्रधान षष्ठी को सतो प्रधान बनाना है। मैं हूं बहु, वो एक सेकंड भी देरी से नहीं आता हूं, क्योंकि इस बेहद फिल्म के बंधन में बांधा हुआ हूं। एक वो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ, तो जो बांधा हुआ ड्रामा है उनको क्या कहेंगे? भाई सर्वशक्तिमान कहेंगे। वो खुद कहते हैं ना, अरे मैं बांधा हुआ हूं ये बंधन में, है ना? और क्यों क्यों ये बाप ऐसे कहते हैं कि मैं बंधन में बांधा हुआ हूं? कभी छूट नहीं सकता हूं, क्योंकि बहुत आते हैं जो कहते हैं कि मोक्ष मिल जावे। अरे मोक्ष मना सदा काल के लिए इस ड्रामा से छुटकारा मिल सकता है,
तो बाबा कहते हैं मैं ही खुद इस बंधन में, ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। तो वरी दूसरा कौन छूट सकता है, समझा ना। जब बाप ही बंधन में बांधा हुआ है ड्रामा के, तो और कौन छूट सकता है, और कोई छूट ही नहीं सकते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं कि नहीं, मोक्ष जिसका नाम है। अरे बच्ची, ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बुद्ध बाण प्रस्थ गया, निर्वाण धाम में गया। फलाना ज्योति ज्योति में समाय गया, फलाना मुक्ति को पाया। ऐसे लिखा हुआ है भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों में। अब तुम ये सभी बातें नहीं मानेंगे, नहीं, कोई भी नहीं वापस जा सकते हैं, सिवाय बाप के बगैर कोई रास्ता कौन बतावेगा। बाबा ने समझाया, ऋषि मुनि भी कहते हैं नेति नेति, हम उसके अंत को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। हम बाप को और बाप की इस रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, बस जानना भी ये है ना, वास्तव में जानना ये चाहिए ना, परंतु ये जानने की तो कोई जानते नहीं है, तो कोशिश ही क्या करेंगे। अरे वो भक्ति ही भक्ति है, उनको अपनी तरफ में भक्ति की यानी वो पार्ट बजा नहीं है भक्ति का। सो दूसरों को भी भक्ति में घुसाते ही रहेंगे। ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। जबकि बाप आवे तो उनको अवतार कहते हैं ना, जबकि वो आवे, और अवतार तो सभी लेते हैं ना बच्चे। अवतार माने ऊपर से नीचे आना, वो तो सभी आत्मा इस रंग मंच पर बेहद के ड्रामा में आकर के पार्ट बजाती रहती हैं। तुम सभी अवतार लेते हो, अवतार लेते हैं माना ऊपर से आए करके शरीर में बैठ करके है, शरीर में प्रवेश किया, तो उसको अवतरिया, ऊपर से नीचे अवतरिया। तो अवतार तो तुम सभी हो, परंतु ये फिर कौन है? ये है सारी पतित दुनिया को पावन बनाने वाले, इसलिए अवतार एक ही होता है जो सारी दुनिया को पतित से पावन बनावे, और तो दूसरा कोई अवतार होता ही नहीं है ना। हाँ, नाटकों में तो दिखलाते हैं ना,
विष्णु अवतार, फिर वो विमान में वो ही साल उड़ करके यहां चले आती है। मनुष्यों के चित्र हैं, परंतु नहीं, यूं अवतार हो सभी नंबरवार और सब आते हो, अवतरते हो और ये पार्ट बजाते हो। पार्ट बजाने के लिए आते हो, कोई भी वहां नहीं रह सकते हैं, सबको आना पड़ता है। 29/11/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, बुधवार। देखो नाटक होते हैं ना बच्चे, तो सब आते जाते हैं, पिछाड़ी में वो जो धनी होते हैं ना मुख्य, वो भी आकर के खड़ा हो जाएगा, पीछे वो बाजा आजा बजेगा है, सब छूटेंगे उनको, सब छुट्टी ले लेगा, नाटक बंद हो जाएगा, पर्दा ही बंद हो जाता है। और पिछाड़ी में तो सभी एक्टर हाजिर होते ही हैं, तो ये बच्चों को अभी मालूम पड़ा कि हम सभी एक्टर्स है, जो भी यहां के रहने वाले बाप के सहित सब ऐसे सभी यहां हैं, आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते रहते हैं, कोई मोक्ष हो जाता है सदा काल के लिए, अरे अभी तलक भी आते रहते हैं और ये सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। ऐसे नहीं ये 40-50 वर्ष कोई यहां थमता है, नहीं, वो तो बच्चे सुनते भी हैं कि भाई एक एक मिनट में या सेकंड में या दिन में इतने मनुष्य पैदा होते हैं, तो वृद्धि तो होती रहती है ना, तो ये तो होती रहती है कि जब बाप आएगा तब फिर बारात भी जाएगी। तो नाटक में भी कायदा ऐसे है, जब सब आ जाते हैं, मुख्य एक्टर डायरेक्टर, तो वो जब आ जाएंगे आगे, तो उनके पिछाड़ी ला ऐसे है, पीछे वहां तो शायद अगड़म बगड़म करके चले जाते हैं। और बुद्धि ऐसे कहती है, देखो तुम्हारी बुद्धि सब काम कर रही है कि बरोबर ये बिल्कुल ठीक है, पहले से तो बाप ही आते हैं, ऐसे ही कहे ना बच्चे, बाप शुरू कौन करेगा, बाप आएंगे ना, देखो बाप आते हैं, तो ये अभी शुरू होते हैं, आए करके तुम बच्चों को रिजुविनेट करते हैं, काया कलब वृक्ष समान, इसको ऐसे भी कहा जाता है, काया कल्प वृक्ष समान, कल्प की आयु 5000 वर्ष,
तो अच्छा, तुम्हारी काया आधा कल्प है, अमर बनती है, तो आधा कल्प वृक्ष की आयु टोटल तो 5000 वर्ष, तो आधा कल्प तुम्हारी आयु बढ़ा देती, क्योंकि वहां तुम आधा कल्प तो मरते ही नहीं हो, जो ऐसे कहा जाएगा। तो कल्प वृक्ष समान आयु है, कल्प की आयु 5000 वर्ष, तो अच्छा तुम्हारी काया आधा कल्प अमर बनती है ना, है तो आधा कल्प तुम्हारी आयु बढ़ा देते हैं, तो ऐसे कहा जाएगा ना, कल्प वृक्ष समान आयु। तो बच्चों को मालूम तो है ना बुद्धि में, है कल्प वृक्ष आधा समय पवित्र रहता है और फिर आधा समय अपवित्र रहता है, तो हो गया ना कि भाई ये काया कल्प वृक्ष समान अगर बनाए देते हैं, क्या बनाए देते हैं, अमर बनाए देते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है अमरलोक। तो अभी अमरलोक के लिए कथा चाहिए ना, देखो अमरलोक के लिए कथा चाहिए तो मिलाए दी है, अभी ये मनुष्य तो नहीं जानते हैं, क्योंकि जैसे सत्यनारायण की कथा नरसी नारायण बनेगा, वो भी तो कहां जाएगा, अमरलोक में जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, तो सतयुग को अमरलोक कहा जाता है, कलयुग को मृत्युलोक कहा जाता है। अच्छा तो फिर अमर कथा उसने सुनाई, शंकर ने सुनाई पार्वती को, अभी क्या, वो भी तो गीता हुई ना, है क्योंकि अमर यानी अमर लोक में जाकर के बादशाही करेंगे, तो अमर लोक को तो यही कहेंगे ना, ओ अमर लोक तो मृत्यु लोक के अगेंस्ट है ना, नाम अगेंस्ट है, तो ये किसने गाई, अमरनाथ ने गाई, शंकर ने गाई या भला कृष्ण ने गाई, गाई भाई कहेंगे कि न शंकर ने गाई न विष्णु ने न कृष्ण ने गाई, अरे फिर यही ब्रह्मा ने गाई, क्या कथा, तो ब्रह्मा का तो नाम किसको भी पता नहीं है, बस उस शास्त्र में कृष्ण 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 चला आता है, कभी कोई भी नहीं जानते हैं कि नहीं कि ये कथा तो अमर बाबा ने गाई है, अमर बाबा
है हमारा बाबा माना, कभी मरता ही नहीं। अच्छा, क्योंकि उवाच है ना, भगवान उवाच। तो उवाच तो जरूर कोई शरीर द्वारा ही करेंगे, तो शरीर ही मरता है, आत्मा थोड़े ही मरती है। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है कि नहीं, कि ये कथा तो बाबा ने सुनाई, बाबा बैठ करके राज समझाते हैं। बाबा आते हैं बरोबर, समझा ना, और फिर बाबा बाबा भी है, इकट्ठा रहते हैं। बाबा इकट्ठा नहीं रहते हैं, यहां इकट्ठा रहते हैं, तो जरूर यहां ही रहेंगे ना। बाप है तो यहां रहेंगे ना, घर में रहते हैं तभी तो जानते हो। परंतु ये समझते हो बच्चे के बरोबर बाप, जैसे ये बाप है ना, तो भाई ये बाप है, इनमें आत्मा है ना बरोबर, तो ये आत्मा यहां आई हुई है, छोटे से बड़ी हुई है, है। बड़े को फिर बाप कह देते हैं, जबकि क्रिएटर बनते हैं ना तो बाप कहा जाता है। पहले क्या कहा जाएगा है? बाप कहलाने लायक बनेंगे तभी तो बाप कहेंगे है? हद के ब्रह्मा के बनेंगे है? तब बाबा कहलाने लायक बनेंगे, नहीं तो बाबा कभी कोई छोटे बच्चे को थोड़े कहेंगे, नहीं। अच्छा, इनको तो सदैव बाबा कहेंगे, बत्ती मार्ग में फादर 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 ही कहते रहते, और कुछ कह सकते हो तुम लोग? उनको बच्चा कहेंगे, युवा कहेंगे, वृद्ध कहेंगे? नहीं, फादर 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 ही कहते रहते हो। इससे सिद्ध होता है कि ये पुनर्जन्म में नहीं आते, उन्तीस ग्यारह 1967 की प्रातः क्लास का पांचवा पेज। जो पुनर्जन्म में आवे वो तो वृद्धि को भी पावेगा ना, छोटे से बच्चे से फिर बड़ा बनेगा है, स्टूडेंट फिर टीचर भी है, फलाना भी है, टीरा भी है। तो इतना सभी सूक्ष्म में जानना चाहिए। अब ये सूक्ष्म में जाकर के एकांत में, तभी तो ये सब ख्याल आता आएगा ना, और तभी तो तुम्हारा विचार सागर मंथन का वो दिखलाया ना, कि वो रस्सी बांधी, वो सर्प को रस्सी बांधी सर्प की, और ये कछुए को भाई वो मंथन के लिए लेके आए, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है वहां।
फिर उसमें से अमृत निकला है। उस कलश को, अमृत कलश को लक्ष्मी, अब लक्ष्मी तो यहां है नहीं, यहां कोई लक्ष्मी थोड़ी बैठी हुई है, हैं? नहीं, अरे लक्ष्मी तो सतयुग में होगी, तो सतयुग में तो विचार सागर मंथन करके अमृत निकलता नहीं है। अभी तो वहां अमृत पी पी करके और जा करके वो बनी लक्ष्मी। तो देखो ऐसी ऐसी बातें विचार करेंगे तो तुमको मालूम पड़े, ये तो सब शास्त्रों में झूठी कथाएं लिखी हैं। ओम शांति।